स्टेज पर और पंडाल में मुल्क भर से कुर्बो जवार से दूर दराज से उलमा व मशाइख और कारकुनान आले सुन्नत रौनक अफरोज है। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत पीर सैयद ज़फ़र अली शाह साहिब बनूरी आफ़ कोहाट खैबर पख्तूनख्वा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िमे आला आपकी सदारत में कन्वेंशन इनेकाद पज़ीर है। मरकज़ आले सुन्नत बरेली शरीफ हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ के खलीफा मुजाज सूफ़ी मोहम्मद गुलज़ार अहमद क़ादरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह तआला और हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ के फैज़ याफ्ता मौलाना सूफ़ी खादिम हुसैन सैफी साहब और दीगर कसीर तादाद में मुबल्लिगीन रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू हम सब की ये कावश अपने दरबार में कबूल फरमाए और अपनी तरफ से मैं मुनाज़िरे इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद नौमानी जलाली साहब को और मुनाज़िरे इस्लाम मौलाना मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हमारे तकरीबन अक्सर फौजाना अपने अपने महाज़ों पर इस सिलसिला में किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह सब को मज़ीद हिम्मत अता फरमाए और मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आज के इस कन्वेंशन में एक तंजीमी ऐलान भी करना चाहता हूँ। अल्लामा मोहम्मद हनीफ हुसैनी साहब जिन्होंने कन्वेंशन के शुरू में ख़िताब किया वो स्टेज के करीब आ जाए। हज़रत अल्लामा फारूक आज़म जलाली साहब वो भी स्टेज के करीब आ जाए। हमारे जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दरोगा वाला के जितने भी फौजला हैं या मुस्तफ़ीदीन हैं ऐसे ही मरकज़ सिरात मुस्तकीम के जितने फौजला हैं इनकी नुमाइंदा तंजीम जलालिया उलमा कौंसिल जो कई सालों से काम कर रही है उसके लिहाज से जो मरकज़ी क़यादत मुंतखब की गई है अल्लामा मोहम्मद हनीफ हुसैनी साहब को जलालिया उलमा कौंसिल का अमीर मुंतखब किया गया है। तो अज़ला की तंजीम साजी फिर ये करेंगे मरकज़ी अमीर जलालिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद हनीफ हुसैनी साहब हैं और मरकज़ी नाज़िमे आला अल्लामा फारूक आज़म जलाली साहब हैं। ये तंजीम के लिहाज से और बिलखुसूस फ़िक्र मुस्तकीम के दायरा कार को वसी करने के लिहाज से तबलीगी सरगर्मियों के लिहाज से भरपूर किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे। सारे हज़रात इनके लिए दुआ करें
रबे जुलजलाल इन्हें इन ओदों पर बदरी के आसन काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक साल के लिए जलालिया उलमा कौंसिल की मरकजी क़यादत के लिए इन हजरात को मुंतखब किया जा रहा है। जेल में जो कलाम लिखा था तो एक कलाम आज के दिन के लिए भी था, जिसमें इस मरकज के लिहाज से और जो रिंग रोड पर रिजा नगर लखुडैर में इंशाअल्लाह बड़ा मरकज तामीर किया जा रहा है उसके लिहाज से भी है। इस सरजमी पे हक का गुलशन खिला रहे ये दुआ है। इस सरजमी पे हक का गुलशन खिला रहे लंगर मेरे हजूर का हर दम खुला रहे। इस सरजमी पे हक का गुलशन खिला रहे लंगर मेरे हजूर का हर दम खुला रहे। बनते रहे हमेशा आलिम यहाँ अजल, बनते रहे हमेशा आलिम यहाँ अजल, ये सिलसिलाए खैर भी हर दम चला रहे। बनते रहे हमेशा आलिम यहाँ अजल, ये सिलसिलाए खैर भी हर दम चला रहे। भूले से भी खजा का न हो यहाँ गुजर, भूले से भी खजा का न हो यहाँ गुजर, गुलशन मेरे रसूल का हर दम हरा रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूले से भी खजा का न हो यहाँ गुजर, गुलशन मेरे रसूल का हर दम हरा रहे। इजहारे हक का सूरज यहाँ से तुलू करे, इजहारे हक का सूरज यहाँ से तुलू करे, बातिल यहाँ के डर से हमेशा डरा रहे। इजहारे हक का सूरज यहाँ से तुलू करे, बातिल यहाँ के डर से हमेशा डरा रहे। आमीन बिदाहे ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस अजीम मिशन के लिए ये कन्वेंशन किया जा रहा है, वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिला के अंदर ये कन्वेंशन इनेकाद पजीर है। मुख्तलिफ उमूमी जलसों में अगरचे इस आयत करीमा पर गुफ्तगू हमारी होती रही, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, लेकिन कुछ लोग इस अंदेशा में थे कि ये इस पर सेमिनार क्यों नहीं करते, क्या ये वहदत उम्मत के खिलाफ हैं या इत्तेहाद उम्मत के खिलाफ हैं, इसको ये क्यों नहीं मौजूए सुखन बनाते। हालांकि हम तो ये पिछले साल भी यहाँ तो के आह्वान में भी इस पर कॉन्फ्रेंस की, लेकिन भरपूर सतह पर और लोगों के कहने के अलावा वैसे भी ये हम पे कर्ज था कि वो क्या फार्मूला है जिसकी वजह से सारी उम्मत मुत्तहिद हो सकती है, क्योंकि इत्तेहाद में तो बड़ी बरकत है और इत्तेहाद से इस्लाम को कुव्वत मिलेगी और वहदत उम्मत से गैरों की चीखें निकलेंगी और इत्तेहाद उम्मत की मंजिल का हसूल हर दर्द दिल रखने वाले मुसलमान की एक तमन्ना है। मगर इस टाइटल को भी वारदात के तौर पर माजी में बड़ा ही इस्तेमाल किया गया है, यानी उमूमी तौर पर जिसने नया फिरका बनाना चाहा
उसने इत्तेहादे उम्मत के टाइटल से अपने आप को अलहदा प्रमोट करके फिर एक नए फिरके की बुनियाद रख दी, और इसके जरिए से भी जिस तरह हमने वो मौजूआत बयान किए मफहूम में कुरान बदलने की वारदात, तो इत्तेहादे उम्मत से भी इस लफ्ज के लिहाज से भी बड़ी वारदातें की गई। और वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, आयत ये पढ़कर किसी ना किसी फिरका वारियत को तहफ्फुज़ दिया गया और किसी ना किसी नई फिरका वारियत का दरवाजा खोला गया। तो हम भी अल्लाह के फजल से उस फिरका वारियत के खात्मे के लिहाज से अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, और ये जो आयत का तकाजा है वातसिमू से उस पर अमल करना चाहते हैं। और जिस तरह रब्बे जुल जलाल का फरमान है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो हम उसके मुखातिब हैं, ऐसे ही वातसिमू के भी हम मुखातिब हैं। क़यामत के दिन इसका जवाब देने के लिए एक बड़ी काविश के तौर पर हम ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि हमने अपनी बसात के मुताबिक वो फार्मूला पेश किया कि जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन हम इसका अल्लाह के दरबार में हवाला दे सकें। उसके पेश नज़र इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, और फिर इसमें जितने भी फिक्री और नज़रियाती धुंधलके हैं, गुबार है, आलूदगी है और फिक्री आवारा गर्दी है, उस सब के मुकाबले के अंदर जो है वो पेश किया जाए कि असल वहदत उम्मत का राज क्या है और कौन से लोग हैं कि जो इस का नाम लेकर आज भी पूरी दुनिया के अंदर इंतिशार को हवा दे रहे हैं। अगर आप तवज्जो करें तो पाकिस्तान में बैठे हुए हम जब पूरे आलम इस्लाम पे गौर करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे इतने इतने जरखेज इलाके इस दुनिया में, हमारे इतने इतने मुकद्दस ममालिक जहां माजी में मुसलमानों ने बड़ा उरूज पाया, अब वहां कुछ तो खून के दरिया बह रहे हैं, वो शाम हो, वो इराक हो, शाम अब्दालों की सरजमीन है, इराक को नबियों की सरजमीन कहा जाता है, यमन अल ईमान यमानी वल हिकमत जमानियत, कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है कि जहां आज अग्यार की कोशिशें, अग्यार की साजिशें पूरी तरह उन्होंने यलगार का बाजार गर्म कर नहीं रखा। उसका सबब फिरका वारियत जो मुसलमानों के अंदर गैरों की अंगेख पर की गई और दो धड़े मुसलसल लड़ने में मसरूफ रहे जिसके नतीजे में मुसलमान कुचले जा रहे। इंटरनेशनल अमन जिससे कायम हो सकता है वो फार्मूला जैसे और इसके मुखातब है और लोग पेश करते रहते हैं, एक कुरान और सुन्नत से माखूज हमारा भी फार्मूला है कि जिससे पूरी दुनिया में अमन हो सकता है और जिससे इस्लाम को कुव्वत मिल सकती है और जिससे उम्मत की साख बहाल हो सकती है। और मेरी सोच के मुताबिक जो दलाइल मैंने इकट्ठे किए वो एक ही फार्मूला है जो वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू में जिसका हमसे मुतालबा किया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो है
रस्सी की तरफ ही मुतवज्जे नहीं, मरकज़े इत्तेहाद का तय्युन करने के बगैर ही जब तमस्सुक करना चाहते हैं, रस्सी है कौन सी तो फिर मुय्यन हो तो फिर पकड़ सकते हैं, अगर रस्सी का ही पता ना हो तो फिर पकड़ कैसे सकते हैं, या रस्सी का तो पता हो मगर पकड़ने की कोशिश ना की जाए। और वला तफर्रकू वो तब है कि पहले रस्सी के साथ तमस्सुक हो, रस्सी पकड़ी तो जाए और फिर आगे फिरके ना बनो। और अगर रस्सी थामे बगैर ही वला तफर्रकू की दावत दी जाए तो फिर वो यकीनन एक नया फिरका ही जन्म लेगा, जिस तरह की हम माजी के मुख्तलिफ ऐसे रूप देख चुके हैं। इस बुनियाद पर इस आयत के जरिए जो गलत मफाहीम कई सदियों से बयान हो रहे हैं उनका भरपूर जवाब देने के लिए ये वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनकार किया जा रहा है, और पाकिस्तान के हालात हों या पूरी दुनिया के, उन सब के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक फार्मूला हम पेश करना चाहते हैं जो यकीनन पाकिस्तान के इस्तेहकाम की भी उसमें जमानत है, उसी की वजह से ही पाकिस्तान के शहर अमन आश्ती का गहवारा बन सकते हैं। और इसमें हम पाकिस्तान के इदारों को भी दावत देंगे कि वो हमारे फार्मूले को सुने और इसके मुताबिक अमन की तहरीक, इसके मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान या इसके मुताबिक पैगाम पाकिस्तान को तरतीब दें और इसके लिहाज से पूरी कोशिश की जाए ताकि 20 लाख शहीदों के खून पर बनने वाला ये मुल्क अपने हकीकी मकासद पा सके और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून, आश्ती और एक तस्कीन की फिजा जो है वो पैदा हो सके। आज के इस मौका पर हालात हाजरा में जो हमें इंटरनेशनल महाज के लिहाज से पॉलिसी रखनी चाहिए वो भी चंद अशार जो मैंने सदाए कफस जेल में लिखे वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मत करो इस कौम को अकवामे आलम पे क्यास, जो इकबाल ने कहा था खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, मत करो इस कौम को अकवामे आलम पे क्यास, इस वतीरे ने किया है कितनी नस्लों को खराब, बच्चा बच्चा कौम का हो सूवे मंजिल गामजन, हम हकीकत हैं जहां में हम खुदा का इंतिखाब, वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, अल्लाह ने जो दीन पसंद किया वो हमारे पास है, हम कोई अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रहे, और सबको दावत है वो भी इस दीन पर आ जाए, वो ज्यूज हो क्रिश्चियन हो उन्हें किसने रोक रखा है, वो भी इंतखाबे खुदाबंदी बनना चाहते हैं तो अल्लाह का मुंतखब दीन वो भी कबूल करें। मत करो इस कौम को अकवामे आलम पे क्यास, इस वतीरे ने किया है कितनी नस्लों को खराब, बच्चा बच्चा कौम का हो सूए मंजिल गामजन, हम हकीकत हैं जहां में हम खुदा का इंतखाब, बाज को शाहीन जो होता है बाज को तुम मत सिखाओ करगसों के चाल ढाल, करगस जिसका काम मुर्दे खाना होता है, बाज को तुम मत सिखाओ करगसों के चाल ढाल, बाज को तुम मत सिखाओ करगसों के चाल ढाल, लाजमी है हर किसी पर खुद करे वो एहतिसाब, एहतिसाब-ए-नफ्स,
लाजमी है बाखबर रहना तुम्हारा रोजो शब। तेरे बच्चों को पढ़ाता कौन है किसका निसाब। लाजमी है बाखबर रहना तुम्हारा रोजो शब। तेरे बच्चों को पढ़ाता कौन है किसका निसाब। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नसारा का जिम्मी होना कैंसिल कर दिया कि तुम जिम्मी नहीं रहे, तुम निकल जाओ हमारे मुल्क से। क्योंकि जब तुम जिम्मी बने थे तो जो शरायत तुमने मानी थी तुमने खुद उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ऐलान जंग नहीं किया, हमने कोई ने रिसालत नहीं की, हमने कैसे वो शरायत खत्म कर दी है। तो आपने फरमाया कि तुम पे लाजिम था कि तुम अपने मजहब की आगे तबलीग नहीं कर सकते। जिम्मी में यह था कि तुम खुद अपने उस नजरिए पे जो तुम्हारा है तुमने कायम रहने का हमसे अहद किया था, तो कलमा तुमने नहीं पढ़ा था, मगर आगे उसकी तबलीग पर तुम पाबंदी थी। और आज तुम्हारे बच्चों के जब इंटरव्यू लिए गए तो तुम्हारे बच्चे भी वही बातें कर रहे हैं जो तुम्हारे मजहब की हैं। तो इससे पता चलता है कि तुम घरों में बच्चों को अपने झूठे मजहब की तबलीग करते हो, लिहाजा तुम्हारा जिम्मा खत्म हो गया है। कहां वो वक्त कि एक जिम्मी अपने घर में भी वो अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकता, और कहां ये कि आज हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में वो मुसलमानों को लेक्चर देते फिर रहे और हर तरफ उनको मुकम्मल आजादी है और अमेरिका इससे भी आगे फ्री सोसाइटी के तहत और रिलीजियस फ्रीडम के तहत उनको मजीद आगे बढ़ाना चाहता है, और ऐसे ही कादियानियत के लिहाज से अमेरिका के मजीद मुतालबात हैं। तो निसाब एक ऐसी चीज है जिस तरह जिस्म के अंदर जाने वाली खुराक के लिए वो बहुत ज्यादा कीमती हो या नॉर्मल सी खुराक हो, लेकिन ये तो जरूरी है कि उसमें जहर ना मिला, और अगर उसमें जहर मिला हो तो वो कितना अच्छा ही गोश्त क्यों ना हो, उसको एक अनपढ़ बंदा भी जब पता चलेगा तो वो कहेगा ये चलो बटेर का गोश्त है लेकिन चूंकि इसमें जहर है मैं नहीं खाऊंगा। तो आज निसाब की शक्ल में कहीं ज्यादा जहर मिलाकर मुख्तलिफ निसाबों में, और फिर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से मुंसलिक इदारे हैं जो बैरून मुल्क के एनजीओज की यूनिवर्सिटियां हैं उनसे मुंसलिक, उनमें तो बड़े बड़े कुफरियात शामिल हैं। तो वालिदैन का ये हक है रोजाना कि उनके बच्चों को जो निसाब पढ़ाया जाता है वो उसको चेक करते रहें कि जैसे उन्हें फिक्र है कि हमारे बच्चों को जहरीला नाश्ता ना खिलाया जाए, तो ऐसे ही उन्हें फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को जहरीला नजरिया भी ना पढ़ाया जाए। और ऐसे ही नजरियात के लिहाज से जो बद एतिकादी है, खा वो रिफ्ज है, खुरूज है, वो नासबियत है, वो कादियानियत है, वो मुख्तलिफ किस्म की वबाएं हैं गली महल्ले में, उनसे भी अपने बच्चों को बचाना ये एक फरीजा है वालिदैन पर कि वो इस चीज को जरूर अपने पेशे नजर रखें। लाजमी है बाखबर रहना तुम्हारा रोजो शब। तेरे बच्चों को पढ़ाता कौन है किसका निसाब। अपनी नस्लों को बचाओ मगरबी तहजीब से, क्योंकि हम हिजाजी तहजीब के लबरदार हैं, लेकिन आज एक दौड़ लगी हुई है मगरबी तहजीब की कि वो जो उनका हेयर स्टाइल है उस पर हमारे नौजवान धड़ाधड़ जा रहे हैं, जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल है उसके मुताबिक कपड़े सिलवाते हैं पहनते हैं। अगर आज से डेढ़ सदी लाहौर की सड़कों को देखा जाता तो यहां
तुम्हें खाल खाल कोई ऐसा नजर आता कि जो हिजाजी तहजीब के खिलाफ किसी लिबास में मौजूद हो, अगरचे वो यहां का इलाकाई लिबास क्यों ना हो, मगर अफरंगी लिबास से वो जरूर नफरत करते थे। लेकिन आज अफरंगी लिबास को तरक्की की अलामत समझा जाता है और अंग्रेजों की तरह की जो बूदोबाश है उस पर फख्र किया जाता है, उसको एजुकेशन समझा जा रहा है। तो इस बुनियाद पर, इस चीज पर भी नजर रखना नहायत जरूरी है। अपनी नस्लों को बचाओ मगरबी तहजीब से, आग है उनका तमद्दुन, शोला जन उनका गुलाब। जिसके गुलाब गुलाब की पत्तियां समझ रहे हो, मगरबी तहजीब के वो फैशन असल में आतिशफशां है। अपनी नस्लों को बचाओ मगरबी तहजीब से, आग है उनका तमद्दुन, शोला जन उनका गुलाब। फंस गए जो मगरबी दलदल में लोगों की खबर, फंस गए जो मगरबी दलदल में लोग उनकी खबर। खींच लो उनको वहां से, कर लो जल्दी बाजियाब। राजा दाहिर को बताया जा रहा है आइडियल, इब्ने कासिम गजनवी से करके यकसर इज्तिना। स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो सूरत हाल है, ये जो कराची है इसका पुराना नाम दीबल है, जहां जो मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर के खिलाफ आए थे, आज हमारे निसाब में जो तब्दीलियां मुसलसल की जा रही हैं उसमें मोहम्मद बिन कासिम को माजल्ला एक हमला आवर की शक्ल में कि जो लूट मार करने आया हो, खून खराबा करने आया हो, इस तरह पेश किया जा रहा है। और राजा दाहिर पे फख्र किया जा रहा है कि वो इस धरती का बहुत बड़ा नामवर सपूत था। ये किस कदर कुएं को मीनार और मीनार को कुआं बनाया जा रहा है। राजा दाहिर को बताया जा रहा है आइडियल, इब्ने कासिम गजनवी से करके यकसर इज्तिनाब। अपनी नस्लों को दिखाओ रौन के रंगे हिजाज, अपनी नस्लों को दिखाओ रौन के रंगे हिजाज। अपनी नस्लों को बनाओ सुन्नतों से फैजिया। इब्तिदा करते रहो तुम नामवर असलाफ की, इब्तिदा करते रहो तुम नामवर असलाफ की, जिनसे पाई है जहाने जिंदगी की आबोता। क्योंकि हमारे असलाफ के जो मोतकदात और नजरियात हैं वही हमारी तरक्की का जमाना है, वही हमारी चमक का असल राज है, उसी में असल सुकून है और उसी में ही दारैन की सादतें हैं और उसी के अंदर ही इंशाअल्लाह क्यामत के दिन की कामयाबी और फिरदौस की चांदनी है। और आज धड़ाधड़ उन नजरियात के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, राफिजियत खारजियत नासिबियत हर बला ही बहुत तेजी के साथ अपना जहर घोल रही है और उम्मत मुस्लिमा पर हमला आवर है। तो हम जो लोग जाग रहे हैं अल्लाह के फजल से, लाजिम है औरों को भी जगाए रखें। जिनकी आंखें ना हो, नाबीना हो, उनके पास बैठे हुए अगर कोई दूसरा नाबीना कुएं में गिर जाए तो इस बैठे हुए नाबीना से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद नाबीना है, मगर जिसकी आंखें हो और उसके सामने कोई नाबीना कुएं में गिर रहा हो तो क्यामत के दिन भी उससे पूछा जाएगा कि उस बेचारे की तो आंखें नहीं थी, तुम्हारी आंखें थी,
तुमने क्यों नहीं उसको बताया कि आगे कुआं है? कितना उस वक्त जल्द बोलना जरूरी है। यह नहीं कि तुम कहो कि मैं अभी फैसला करूंगा, घंटे के बाद बोलूंगा, इतने में वो गिर के मर भी गया तो फिर तुम तो पकड़े जाओगे क्यामत के दिन। आज लोग इस तरह गुमराही के कुएं में मुसलसल गिरते जा रहे हैं, और अगर तुम इसमें रहो कि महीना बाद बोलेंगे, हफ्ता बाद बोलेंगे, जब तुम्हें रब ने आंखें दी हैं, तुम्हारे अंदर रोशनी मौजूद है, और मसलक अहले सुन्नत व जमात की आबो ताब के तुम वारिस हो, और तुम्हारा ताल्लुक अपने अजीम अकाबिर असलाफ की तालीमात के साथ है, और तुम सिराते मुस्तकीम पे खड़े हो, तो अब इन आंखों का औरों को भी फायदा होना चाहिए। और फिर अगर वो किसी गड़े में जो कुफर का गड़ा हो या गुमराही का, वो गिर कर तबाह हो बर्बाद हो गए, तो सिर्फ उनका ही नहीं तुम्हारा भी तो कल हिसाब होना है। इस बुनियाद पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ से बार बार आपको मुख्तलिफ किस्म का होमवर्क दिया जाता है, मुख्तलिफ किस्म का काम आपके सुपुर्द किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज पर आपको दावत दी जाती है, और अगर झंझोड़ना पड़े तो आपको झंझोड़ा जाता है कि आप इस सिलसिला में खड़े होकर अपना किरदार अदा करें। हमारे जितने भी मुबल्लिगीन हैं, अवाम से कहीं ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। एक हमारा वो वर्कर है जिसने हमारी कोई एक तकरीर सुनी तो हमारे साथ चल पड़ा, लेकिन एक हमारे मुबल्लिगीन है जिनको हमने 9 साल तक पढ़ाया, तो एक तकरीर सुनने वाले और 9 साल पढ़ने वाले में फर्क तो वाजे होना चाहिए। अगरचे एक तकरीर सुनकर जिसकी आंखें खुल गई और आगे वो लोगों को गिरने से बचा रहा है, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन ये जिनके लिए इतने साल मुख्तलिफ किस्म के मक्की मदनी करबलाई करबलाई सुरमे इस्तेमाल करके उनकी आंखें खोली गई और उन्हें इस मिशन के लिए तैयार किया गया, आज उनका मकसद सिर्फ अपना घर चलाना नहीं, अपना रोजगार नहीं, अपने बीवी बच्चे का मामला नहीं, उनसे क्यामत के दिन इन आंखों का भी सवाल होगा कि जब नाबीना लोगों के माहौल में तुम्हारी आंखें थी, जब अंधेरों के अंदर लोगों को कुछ नजर नहीं आता था मगर तुम्हारी आंखों में नूर भरा हुआ था कि तुम अंधेरों में भी देख रहे थे, तो तुमने क्यों नाबीनारे नूर का किरदार अदा किया? इस बुनियाद पर हमारे सारे मुबल्लिगीन उनका किरदार मजीद तेज से तेज होना चाहिए, और पहले भी हर किस्म की मसलत को बालाए ताक रख के आप मैदान में निकले हुए हैं, मजीद इससे आगे बढ़े, और हक ने कर दी दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। इस सिलसिला में जिस मौजू पर भी हम कोई नई तहकीक पेश करते हैं, फौरन उसको आगे खुतबात की शक्ल में पहुंचाया जाए। नई तहकीक का यह मतलब नहीं कि हम कोई माजला नया दीन बनाते हैं, यानी वो जो कुरान और सुन्नत के दलायल जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम जिगर पिघला के वो सामने लाते हैं, वो असली दीन, वो हकीकी दीन, वो मुजद्दीदीन ने जो तजदीद के बाद हमें हम कारकुनान मुजद्दीदीन को अदा किया, जिस पर फिर जालिमों की तरफ से पर्दे डाले गए, हम जब उसको हटा के पेश करते हैं, तो फिर जितने भी सोशल मीडिया के वर्कर हैं वो भी आज लाखों आवाजें हमारे खिलाफ उठ रही हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें कहां से कहां तक उस कलमे हक को दबाने के लिए दिन रात अपना जोर लगा रही हैं, जिस कलमे हक का विरसा रब ने हमें अता फरमाया है। तो अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा
जरा इस्तेमाल करके इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से भी जो कुछ हम जायज हुदूद के अंदर कर सकते हैं वो हम कलमा हक लोगों तक पहुंचाते रहें, आस्तीन के सांपों से भी बचे और तदबीर के साथ और बहुत ज्यादा हिकमत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमें मायूसी नहीं है, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। जो रुकावटें हैं, रुकावटें डालने वाले रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन हमारा ये अहद है, जैसे जेल से निकलते हुए कहा कि ये कैदोबंद की सौगतें तो मामूली सी हैं, जिन्होंने जान देने की कसम खाई हो उनके लिए कैदोबंद की सौगतें क्या हैसियत रखती हैं। लिहाजा अगर दोबारा वो अपना जुल्म आजमाना चाहें तो इंशाल्लाह हम दोबारा अपना सब्र आजमाएंगे और अपनी इस्तेकामत से पहले से भी ज्यादा जो उन्होंने देखा, तुमने जितना दबाने की कोशिश की हक उतना ही उभर के सामने आया, मजीद दबाने की कोशिश करेंगे तो हक मजीद उभर के सामने आएगा। और ये मेरे लफ्ज याद रखें, अगर कभी तुम्हें मेरी कोई नई तकरीर सुनने का मौका ना भी मिले, जिस तरह पीछे 4 माह तक मुसलसल मैं आपसे मुखातिब ना हो सका और मुझे इस जदीद अहद के अंदर यानी वो कैद दी गई तन्हाई की कि जो उसकी मिसाल ताजा ताजा आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, बड़े 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 लोगों को जिन पर अरबों खरबों रुपए के मामलात हैं या जिनके जराइम कितने हैं, उन्हें भी हफ्ते में हवा लगाने के लिए बहर ले आते हैं या महीने डेढ़ के बाद ले आते हैं। मुझे जिस दिन ले गए उस दिन के बाद तभी बहर निकलने दिया जब तुम्हारे सामने बहर आया, अदालत में भी पेश ना कर सके मेरे इसरार के बावजूद। लेकिन ये सारी चीजें मामूली हैं। अगर किसी को ये तमन्ना है कि हम हक से इंच का करोड़वा हिस्सा भी पीछे हटे तो खुदा की कसम आगे तो बढ़ेंगे पीछे नहीं हटेंगे। और आपसे भी यही कह रहा हूं कि अगर मेरा और आपका राबता मुनकते हो जाए, दुआ तो यह है कि राबता बरकरार रहे, लेकिन अगर खुदा नखास्ता मुनकते हो भी जाए तो आपने अपनी जगह किरदार अदा करना है हुसैनियत का, और बंदा ना चीज ने अपनी जगह के हुसैनियत का किरदार अदा करना है। ये बाजी इश्क की बाजी है, मैं हुकूमत को कह रहा हूं ये बाजी इश्क की बाजी है, तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे, कई लाख जलाली बोलेंगे तुम कितने जलाली पकड़ोगे। उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा, फिरौन बने हो कुर्सी पे तुम रब को कैसे अकड़ोगे। हमारा काम उन्हें तंबीह करना है, इसलाह की दावत देना है, लेकिन हम उनसे अपने लिए कोई भीख नहीं मांगेंगे। हम राहे हुसैनियत पे कायम हैं और यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा दुनिया में रहना है और यही दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला आखिरी घड़ी तक हमें ईमान की सलामती अता फरमाए, क्योंकि आज जो उलट पलट हम देख रहे हैं बड़ा डर लग रहा है कि क्या से क्या महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, किसी ने तो शायद किसी और मफहूम के लिए शेर लिखा था, लेकिन आज हम जब लोगों को नजरियाती गर्दाब में देखते हैं तो यही सामने बात आती है, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी।
अल्लाह हम सब को अपना ईमान बचाने की तौफीक दे, और जो हमारा दायरा है, दायरा एकार है, जहां तक भी हम लोगों का ईमान बचा सकें, रब्बे जुल जलाल हमें भी तौफीक अता फरमाए। इश्तिहारात छप चुके हैं, वो इश्तिहारात आप हासिल करें और अच्छी तरह भरपूर तरीके से कंपेन चलाएं, क्योंकि जिस तरफ पानी जा रहा हो उस तरफ जाना आसान होता है और उसके मुखालिफ सिमत में तैरना बड़ा मुश्किल होता है। जिस सिमत हवा का रुख हो तेज, उधर तो हवा खुद भी दबाए ले जाती है, मगर उसके मुखालिफ चलना, ये फिर सबर आजमा मरहले होते हैं। तुम जहां इश्तिहार लगाओगे तुम्हारा लोग इश्तिहार फाड़ेंगे, जहां स्टिकर लगाओगे वो स्टिकर फाड़ेंगे, वो हर बार इस्तेमाल करेंगे कि ये 6 मार्च की तारीख लोगों को याद ना रहे। पिछले साल की सुन्नी कॉन्फ्रेंस के बारे में तुमने इंडियन चैनल्स के तबसरे सुने होंगे कि कहां तक दर्द उठता है और कहां तक हाय हाय का सिलसिला होता है। इस गली से लेकर व्हाइट हाउस तक वो कौन सी जगह है कि जहां हमारे दुश्मन मौजूद नहीं और वो हमारी इस दावत हक को रोकना नहीं चाहते। इस बुनियाद पर चीते की आंख लेकर जीने की जरूरत है और हमें कोई मायूसी नहीं, क्योंकि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, इस वास्ते भरपूर तरीके से कंपेन चलानी है, इश्तिहारात को जाया नहीं होने देना।